नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है जर्मन की वीज़ा अपॉइंटमेंट, जर्मन के वीज़ा के बारे में, जर्मनी की जो इंट्री बैन है ड्यू टू कोविड के कारण, उसकी सारी की सारी ये तीन डिस्कशंस करेंगे कंप्रहेंसिवली। अभी कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले मैंने एक मेल डाली थी कि जर्मन की एम्बेसी ने वर्किंग स्टार्ट कर दी है। तो उसको मेल को डालने के बाद मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं बच्चों की, सर हमें तो कोई अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही, आपने ये मेल डाली है इसके बारे में क्लियर करें। उसको भी क्लियर करूंगा जो मैंने अभी तीन चार दिन पहले वीडियो डाली थी, और साथ में जो न्यू अपडेशंस हैं उसके बारे में मैं आज अपनी वीडियो में क्लियर करूँगा। जर्मन वीज़ा में क्राउन इमिग्रेशन को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, चाहे आपने वहाँ का स्टूडेंट वीज़ा वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, चाहे जॉब सीकर वीज़ा है, चाहे फैमिली रीयूनियन वीज़ा है, चाहे आपने कुक का वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे अपनी फियांसे का वीज़ा अप्लाई करना है, मैरिज जर्मन में जाकर करवानी है, तो हमारे पास इवन जॉब सीकर वीज़ा भी अप्लाई करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँ। वर्क परमिट के पेपर अगर आपके ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट ने अभी जो अपना जर्मन स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट 2020 को इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद जर्मन गवर्नमेंट काफ़ी लीनियट है टूवर्ड्स वर्क परमिट के केसेस को लेकर। तो अगर आपके वर्क परमिट के वहाँ के से आए हुए हैं तो आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो जर्मन में क्या अपडेशंस हैं आज मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करूँगा। जर्मन की अभी हमने चार या पाँच अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करवा कर दी है फैमिली रीयूनियन की। अगर आपकी फैमिली रीयूनियन का केस है, आपकी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी हैं या न्यू अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं फैमिली रीयूनियन की, तो आप क्राउन इमिग्रेशन को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें। तो अभी जो न्यू अपडेशन, ये उनका जो काम चल रहा है एम्बेसीज में इन कैटेगरीज का जो मैंने अभी बताया, तो उन्होंने किस चीज़ों को अभी बैन किया हुआ है, एम्बेसीज वर्किंग नहीं कर रही एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ के ऊपर और स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर का अपना जर्मन एम्बेसी ने क्लियरली बता दिया है कि हमने अभी इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट नहीं की है। तो जो ईमेल आई है मैं वो भी पढ़ के बताऊंगा। तो उसके अंदर क्या लिखा है, डियर मिस्टर सो एंड सो, विद इफेक्ट फ्रॉम सो एंड सो, द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी डेजिग्नेटेड इंडिया एज ए कंट्री विद सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन वायरस वेरिएंट एरिया, देयर फॉर एंट्री टू जर्मनी इवन विद वैलिड वीज़ा इज जनरली बैंड फॉर पैसेंजर हु हैव विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 10 डेज। इसके अंदर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जर्मन गवर्नमेंट ने जिन्होंने इंडिया से ट्रैवल करना है उनके लिए बैन कर दिया है। इवन अगर उनका पर्सन कोई इंडिया में आया हुआ है, 10 दिन से इंडिया में है, उनको भी बैन है। कुछ चीज़ों को उन्होंने रिस्ट्रिक्शन हटाई है, कौन से लोग एग्जम्पशंस हैं वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। एग्जम्पशंस कैन बी सीन फ्रॉम आवर फॉलोइंग लिंक, उन्होंने एक लिंक भी भेजा है कि जिन कैटेगरीज़ को हमने एग्जम्पशंस की है वो इस लिंक से चेक कर सकते हैं। पर्सन हु हैव ऑलरेडी बीन ग्रांटेड ए वीज़ा एंड डू नॉट बिलोंग टू अबव मैंशनड एग्जम्पशंस मे ओनली इंटर जर्मनी वंस द एंट्री बैन हैज़ बीन लिफ्टेड। उन्होंने इसके अंदर ये भी बता दिया है कि अगर आपको ऑलरेडी वीज़ा मिल चुका है और आप वो एग्जम्पशन लिस्ट के अंदर नहीं हैं तो आप जर्मन में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके लिए बैन है। और एज़ पर करंट एंट्री रिस्ट्रिक्शंस इन इफेक्ट इन जर्मनी यू आर नॉट अलाउड टू इंटर, प्लीज चेक वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर सो एंड सो फॉर अपडेशंस। तो ये इसके अंदर लिखा है, और साथ में ड्यू टू द ट्रैवल बैन द डी वीज़ा स्टैम्पिंग हैज़ बीन सस्पेंडेड एज वेल अंटिल फर्दर नोटिस एक्सेप्ट फॉर ओनली ए फ्यू एग्जम्पशन केसेज। इसके अंदर उन्होंने ये भी लिखा है कि जो डी वीज़ा स्टैम्पिंग है हमने टिल फर्दर ऑर्डर इसको सस्पेंड किया है, एक्सेप्ट सम उन्होंने एग्जम्पशंस दी है, एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर हम स्टेप करेंगे, वो कौन कौन सी कैटेगरी है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। काइंडली कीप योर अपडेट बाया अवर वेबसाइट, एज सुन एज ट्रेवल बैन इज लिफ्टेड वी विल लेट यू नो ऑफ द एग्जैक्ट प्रोसीजर ऑफ रीइश्यूइंग ए वीज़ा विच हैज़ बीन एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द ट्रैवल बैन पीरियड। अभी इसके अंदर उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर आपको ऑलरेडी वीज़ा मिल चुका है, डी वीज़ा ऑलरेडी स्टैम्प्ड हो चुका है, वो वीज़ा अगर आपका एक्सपायर हो जाता है ड्यू टू जो ट्रैवल बैन किया है तो वीज़ा को हम रीस्टैम्पिंग करके देंगे। वो रीस्टैम्पिंग भी अगर आप इस टाइप के वीज़ा के कारण सफर्ड है, आपको वीज़ा ऑलरेडी मिल चुका है, जहाँ आप ऑलरेडी इंडिया के अंदर हैं, आप वहाँ के रेजिडेंस हैं जर्मनी के, आपकी रेजिडेंसी एक्सपायर्ड हो गई ड्यू टू ये बैन के कारण,
उसको रिन्यू कराना चाहते हैं, जहां आपके पास जर्मन पासपोर्ट है, आप इंडिया में स्टक हो चुके हैं, तो आप अपने जर्मन पासपोर्ट को रिन्यू कराना चाहते हैं, तब भी आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। विद इफेक्ट फ्रॉम सो एंड सो द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी डेजिग्नेटेड इंडिया एज ए कंट्री विद सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन वायरस वेरिएंट एरिया, देयरफॉर एंट्री टू जर्मन इवन विद वैलिड वीजा इज जनरली बैंड फॉर पैसेंजर हु हैव विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 10 डेज। दिस बैन अनफॉर्चुनेटली ऑल्सो अप्लाइज टू होल्डर ऑफ स्टूडेंट एंड एम्प्लॉयमेंट वीजा, स्टूडेंट्स के लिए और जिन्होंने वहाँ पे जॉब में जाना उनके लिए तो स्पेशली ये रिस्ट्रिक्शंस की हैं वहाँ पे ट्रैवलिंग की, जिन्होंने जर्मन में वीज़ा लेने के बाद ट्रैवल करना था एम्प्लॉयमेंट और स्टूडेंट, और उनके अभी तक वीज़ा भी स्टैंपों के लिए उन्होंने बंद किया हुआ है स्टूडेंट्स के और एम्प्लॉयमेंट वाले। जो एग्जम्पशंस दी हैं जो ट्रैवल कर सकते हैं कौन कौन से हैं, जर्मन के सिटीजन हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। सिटीजन ऑफ EU कंट्रीज एंड स्विट्जरलैंड, जो सिटीजन ऑफ यूरोपियन यूनियन के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं या व्हाट्स एवर कंट्री के, वो रेजिडेंट ऑफ जर्मन होल्डिंग ए वैलिड रेजिडेंसी परमिट, जिनके पास जर्मन की रेजिडेंसी है वो वैलिड है वो भी वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। मेंबर और कौन से हैं, ट्रांजिट वाले, अगर किसी ने जिनके कोई जा रहा है शेंगन जोन में उनको कोई ट्रांजिट लगता है जर्मनी का तो वो भी ट्रैवल कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। कार्गो मेडिकल स्टाफ वाले भी ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अर्जेंट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स कैसी हो सकती है, कोई डेथ हो चुकी है आपके इमीडिएट रिलेटिव की, उस ग्राउंड पे आप इमीडिएटली वीज़ा लेके वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, जहाँ आपको इमीडिएटली कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना है वो लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बाकी लोगों के लिए भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस की हैं। और कौन से लोग ट्रैवल कर सकते हैं इसके अंदर, जो फैमिली रीयूनियन वाले केसेस हैं, अगर स्पाउस वालों ने जाना है दे कैन ट्रैवल विदाउट एनी प्रॉब्लम। ऑल ट्रैवल फ्रॉम कोविड सो एंड सो एरिया सच इंडिया मस्ट रजिस्टर्ड ऑन सो एंड सो, उन्होंने ये भी कहा है अगर आप इन एग्जम्पशंस लिस्ट में आते हैं तो जब आपने ट्रैवल करना है अपने आप को इस लिंक के ऊपर रजिस्टर्ड करना है। तो और इसके अंदर भी मैं बता दूं ये सारा का सारा हो चुका है, अभी इसके अंदर क्लियर हो चुका है कि स्टूडेंट्स वाले चुप करके बैठ जाएं, एम्प्लॉयमेंट वाले चुप करके बैठ जाएं, और जो फैमिली रिजूनियन वाले हैं वो इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क करें। जिन्होंने वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ वर्किंग कर रही हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने एडमिशन लेनी है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, क्राउन इमिग्रेशन आपकी प्रोफाइल देखने के बाद बता सकता है कि आपको हम कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में फ्री में स्टडी में एडमिशन ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं। जिन बच्चों ने जर्मन सीखनी है, जर्मन का हमारे पास फुल फ्लैज यहाँ पर जर्मन का सेंटर है जलंधर ऑफिस के अंदर। फैमिली रीयूनियन वाले जिन्होंने A1 सीखना है, जहाँ वहाँ पर किसी ने A1 A2 या B1 सीखना है, जो बच्चे वहाँ पर वोकेशनल कोर्स करने के लिए जाना चाहते हैं, जहाँ जो बच्चे अपना मेडिकल में कैरियर बनाना चाहते हैं, नर्सेज की काफ़ी डिमांड है वहाँ पर, अगर आप यहाँ से इंडिया में B1 सीख लेते हैं, आपके पास नर्सिंग की डिग्री है, तो वहाँ पर आपको 100% जॉब ऑफर आ सकता है, क्योंकि नर्सेज की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है जर्मन के अंदर। तो जर्मन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन से इमीडिएटली संपर्क कर सकते हैं। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने चैनल पर एक डालता हूँ, अगर आप डेली मेरी इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश करें। एक इंपॉर्टेंट न्यूज और बता दूँ कि क्राउन इमिग्रेशन वाले अभी 2 दिन हफ्ते में लाइव आएंगे यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। वो दिन कौन से हैं, मंडे और सैटरडे, टाइमिंग हमारी 3:30। अगर आप मुझसे लाइव में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव शो में भी जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।